आदत है क्या कीजिए, माने न मनाऊं मैं कैसे ये बताऊं मैं, टूटी हुई किस्मत है क्या कीजिए। ड्रीम है फूलों का सर पे सहरा सजे, खुशियों का बैंड ये अपने लिए भी बजे। ना मिले लाखों जतन कर देखे फिरता रहा दिल लेके, लेकिन जुड़े ना सिलसिले। छोड़िए और ना टेंशन लीजिए, कर लिया सब तो फिर अब दुआ कीजिए। यार बात तो तू बड़े मजे की बता रहा है, लेकिन आज मैं आ नहीं सकता क्योंकि आज मेरे घर पे मेरी बॉस आ रही है। अरे हाँ हाँ, तेरे भाई का प्रमोशन होने वाला है अगले महीने। हाँ वही बॉस जो बड़ी खूबसूरत सी है, टिप टॉप रहती है, पूरा ऑफिस उन पे लट्टू है, लेकिन वो सिर्फ तेरे भाई से बात करती है। सुमेर मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, इमरजेंसी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुमेर से बात करने में कैसी शर्म, अभी जो तुम फोन पर बात कर रहे थे मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो इमरजेंसी वाली बात। अरे यार तुम तो जानती हो ना सुमेर को, अगर मैं उससे ये नहीं कहता मजीद एक दो घंटे फोन पे पी जाता, फजूल की लंबी होती। वैसे आपकी ये बॉस कौन है? ओह बॉस, वो आज आ रही है ना शाम में, तुम मिल लेना उनसे। मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का, और उनको यहाँ क्यों बुलाया है? शाजिया तुम्हें तो पता है ना मेरी अगले महीने प्रमोशन होने वाली है, तो उसके लिए जरा बुलाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, आओ भगत करनी पड़ती है, बॉस है मेरी। बहुत अफसोस की बात है शाजी, अगर मेरी प्रमोशन नहीं हुई ना तो वह ज्यादा अफसोस की बात होगी। इस तरह प्रमोशन ना ही मिले ना तो ही सही है शाजी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आज मेरी बॉस आ रही है शाम में खाने को, प्लीज कुछ अच्छा सा बना दो। मैं नौकर नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है। हाँ तो अपनी अम्मी से जाके बोलो कि आके खाने बनाए। अम्मी तो है ही नहीं आज के एपिसोड में। क्यों कहाँ गई? वो गई है एजाज खालू के पास। तुम एक काम करो प्लीज, मेरी बॉस आ रही है आज, कुछ अच्छा से खाना पका दो प्लीज। मैं नहीं पका रही खाना प्लीज शाजिया। अरे 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 कोई नहीं, मैं नहीं पका रही खाना। नहीं मैं शाजिया प्लीज, शाजिया बात तो सुनो शाजिया। चुटकी 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 चुटकी, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी भी हो। चुटकी क्या हो गया, गुस्सा किस बात का है? गुस्सा ना करूं तो और फिर क्या करूं? अरे क्या हो गया भाई? भाई इस घर में ना मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। क्या, किसने तुम्हें नौकरानी बोला, नाम बताओ। भाई जान बाप फजूल बातें नहीं करे, पहले बहादुर की वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। देखिए ये पूछना तो बिल्कुल बेकार है कि बहादुर भाई ने किया क्या है, वो तो और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन चलो फिर भी बता दो उन्होंने किया क्या है। भाई उनकी कोई बॉस आ रही है एकदम से। तो ये तो अच्छी बात है, घर में मेहमान आता है तो फरिश्ते आते हैं, रहमत होती है। तो मेहमानों की खिदमत करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। नहीं तो आप आंटी को बोले, आंटी आपका हाथ बटा देंगी। वो घर में टेके तो हाथ बटाए ना, हर वक्त किसी रिश्तेदार के उठा के चली जाती है। अच्छा कौन है, मैं जरा देख के आता। बॉस ही आई होगी और कौन आया होगा, तंग आ गई हूँ मैं तो। ओए होए आप कौन है? मैं सारा। मैं गुड्डू। बहादुर यहाँ रहते? नहीं यहाँ तो सारे बुजदिल रहते हैं, आप उससे बातें कर लेना। आपसे क्या बात करूं? कोई भी बात कर ले, मैं तो फारिग हूँ। मैं सारा हूँ बहादुर की बॉस। ओ ऐसे बोले ना, आइए आइए अंदर आइए। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अरे बॉस आप आ गए। बहादुर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे बॉस ऐसी क्या बात है, आप इसे अपना ही घर समझे।
बहादुर बाकी बातें अंदर चल के कर ले। हाँ चले चले। बहादुर भाई लग गए क्या? वो हमने बाहर पौधा लगाया था ना उसमें फूल लग गए। आइए आइए तो छोड़े आए आए बॉस आइए आइए। अब बहादुर तुमने तो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। बॉस ये शाजिया मेरी बीवी। हाय शाजिया तुमसे अच्छा लगा मिलके। शाजिया को भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। लग तो नहीं रहा। प्लीज डोंट माइंड मुझे ना मजाक करने की आदत है। बहादुर को तो मालूम है। और ये कौन है? ये गुड्डू है मेरा साला। हाय गुड्डू नाइस टू मीट यू। आई लव यू टू। जी मुझे भी मजाक करने की आदत है। बहादुर भाई को तो पता है। अच्छा ओह सॉरी बहादुर मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाई थी। अरे बॉस इसकी क्या जरूरत थी लेकिन आप इतने प्यार से ले आई है मैं मना नहीं करूंगा। ओह आई एम सो सॉरी मुझे पता नहीं था तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। कोई बात नहीं। अरे शाजिया ये तो वो वाली घड़ी है जो तुम मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना चाह रही थी ये बॉस ने ला दी। अब तुम मत खरीदना। गुड्डू तुम क्या करते हो? ये कमाल करते हैं। मतलब वो आपने शेर नहीं सुना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। देखिए मैं एक फ्रीलांसर हूँ और बहादुर भाई को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। अरे तो फ्रीलांसर्स का तो आजकल करियर बहुत अच्छा चल रहा है। जी अब इनको कौन समझाए। बहादुर जरा दो मिनट मेरे साथ आइएगा। बहादुर भाई लग गए क्या? वो पंखे लाए थे ना लगवा लिए। एक्सक्यूज मी बॉस मैं आता हूँ। जी तो कैसी आप? ठीक बात सुनो ये कैसी बॉस है तुम्हारी? अच्छी है ना? बहादुर मैं ये नहीं पूछ रही कि वो अच्छी है या बुरी है। अभी तो तुमने पूछा कैसी है। मेरा मतलब है कि वो किस किस्म की बॉस है और जब से आई है तुम उसी को चिपके हुए हो और वो तोहफा भी लाई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कहाँ की तमीज है ये? अब समझ आया तुम्हें ये बुरा लग रहा है ना कि वो सिर्फ मेरे लिए गिफ्ट लाई है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई है ना? जी नहीं मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम घर में रहते हुए उससे इतना फ्री हो रहे हो तो ऑफिस में क्या करते होगे? शाजिया ये मेरी नौकरी का मामला है प्रमोशन का मामला है समझा करो बॉस की जरा आओ भगत करनी पड़ती है। कसम खुदा की अगर तुम्हारी प्रमोशन का मसला नहीं होता ना तो खड़े खड़े इसको घर से निकाल देती मैं। खुदा का वास्ता है तुम्हें ऐसा कुछ मत करना। तुम जाओ जाके किचन में खाना बनाओ मैं जरा जाके बॉस को कंपनी देता हूँ। बॉस को कंपनी देता हूँ जहर डाल दो उसे खाने में। भाई आपको देख के बड़ी हैरानी हुई मुझे। समझ गई। क्या समझ गई? वो एक्चुअली मेरी शक्ल ना एक इंडियन एक्ट्रेस से मिलती है हर कोई मुझे उससे मिलाता रहता है उसका नाम क्या था मैं भूल गई। नहीं नहीं इस बात पे हैरत नहीं हुई। फिर ये इस बात पे हैरत हुई कि इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी जॉब करती हैं। ओह थैंक यू। भाई वुमेन एम्पावरमेंट का तो मैं बहुत बड़ा हामी हूँ। वाकई? और क्या मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी लड़की से शादी हो जो खुद भी खाए और हमें भी खिलाए। क्या? मेरा मतलब है कि खुद भी काम करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ वैसे इंडिपेंडेंट होने का तो अपना ही मजा है। जी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबको करनी चाहिए। अरे तो फिर कब कर रही हैं आप? ऐसे कैसे कोई अच्छा इंसान तो मिल जाए। अरे क्या बात कर रही हैं आप मैं तो कहता हूँ आप अपने इर्द गिर्द ढूंढें क्या पता कोई खूबरू और जबरदस्त नौजवान आपके साथ ही हो। गुड्डू जी बहादुर भाई जरा यहाँ आना। आ रहा हूँ एक मिनट में। बहादुर तुम यहाँ आओ। जी जी बॉस आता हूँ एक सेकंड आता हूँ आप पहले गुड्डू को भेज दें जरा। मैं जरा देख के आता हूँ। जी गुड्डू तुम जरा इधर आना तुम जरा। अरे क्या हो गया? तुम अंदर बॉस से क्या बातें कर रहे थे? ओबे सुन ली क्या? सुनी तो नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ। शुक्र। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि आपका प्रमोशन डी हो गया भाई मैं थोड़ा सा मक्खन लगा रहा था। गुड्डू मैं तुम्हें समझा रहा हूँ खबरदार उनसे कोई फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे यार बहादुर भाई एक बात बताए मैं उनसे क्यों फ्री होऊंगा? अच्छा सुनो ये तुम अंदर झूठ क्यों बोल लेते कि तुम फ्रीलांसर हो? देखे बहादुर भाई मैं आपका काम करता हूँ ना। हाँ कभी कभी मैं छुटकी का काम भी करता हूँ। हाँ? कभी कभी मैं आंटी का काम भी करता हूँ। अरे बल्कि मैं तो कभी कभी भाग के इस घर के काम भी कर लेता हूँ बल्कि मैं तो पड़ोसियों का काम भी करता हूँ तो टेक्निकली हुआ ना मैं फ्रीलांसर। अच्छा अच्छा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है जो समझाया ना वो समझ लो। हाँ ठीक है। बहादुर मेरी बात सुने है? मैंने खाना तैयार कर दिया है जल्दी से जाके रोटियां ले आ ताकि मैं खाना लगा दूं। जाओ गुड्डू रोटियां ले आओ। अरे वो क्यों जाएंगे आप जाए। अरे शाजिया मेरी मेहमान आई है ना अंदर बॉस आई है मुझे उनके पास बैठना होगा। मैं देख रही हूँ ये बैठने की जो बेचैनी है मेरे साथ बैठने के लिए तो कभी इतने बेचैन नहीं हुए। देखो जरा तुम आग मत लगाओ। आग नहीं लगा रही हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ मुझे सब नजर आ रहा है समझ में आई। और रोटियां लाने में कितनी देर लगती है? अच्छा यार ला रहा हूँ रोटियां तुम लोग जाके बैठो बॉस के पास। और तुम देख रहा हूँ मैं तुम्हें देखे सामने गिर मत जाएगा देख रहा हूँ आए बॉस से बात करें। अच्छा हाँ सब बॉस के साथ बैठा था रोटियां लेने भेज दिए
दानियल बहादुर मेरा भाई। दानियल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस का इंतजार। बॉस का इंतजार मतलब? अरे यार बहादुर इतना हैरान होकर क्यों पूछ रहे हो, मैं बॉस से मिलने ही तो आया हूँ। अगर तुम बॉस का इंतजार मेरे घर के बाहर क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं भी बॉस से प्रमोशन की बात कर सकूं। अरे यार दानियल तुम क्या पी पिला कर आए हो, आंखें दिखाओ अपनी, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं सिर्फ अपने बॉस से प्रमोशन की बात ही तो करने आया हूं। देखो दानियल अगर तुम्हें बॉस से अपनी प्रमोशन की बात करनी है ना तो जाके ऑफिस में करो, मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि बॉस से बात करने सिलसिले में बहुत मुश्किल है। दानियल मुश्किल कुछ नहीं होता इंसान के लिए, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। हाँ हाँ जैसे मैं जानता हूँ तुम कितनी मेहनत और हिम्मत करते हो खुशामदी। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो चलते बनो यहाँ से, मैं भी तुम्हें बॉस से नहीं मिलवा सकता। यार बहादुर प्लीज मेरे भाई। नहीं तो बस नहीं, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम्हारी प्रमोशन की बात तो क्या, मैं चाहूँ ना बॉस से कह के तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊँ, तुम्हें पता है ना बॉस से कैसी सेटिंग है मेरी। हाँ हाँ जैसे मैं जानता नहीं, हर वक्त तुम बॉस की सुन रहे हो तो कितने अच्छे रिलेशन है मुझे पता है सब। है क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ चलो चलो चलते बनो, शाबाश फटाक फटाक घुमाओ, क्या हो गया? बहादुर दी ग्रेट से पंगा इज नॉट वेरी चंगा। बड़ा आया मुझे। अरे मैं तो रोटियां लेने निकला था, ये किसने बातों में लगा दिया मुझे। आपकी जॉब के अलावा क्या क्या मसरूफियात हैं? कुछ खास नहीं। बहादुर कहाँ है? बहादुर भाई तो रोटी लेने गए। आपकी फैमिली कहाँ है? इस्लामाबाद में। कब तक आ जाएगा बहादुर? असल में रोटी वाले के वास्ते लाइन बहुत लंबी होती है। आपकी तालीम कितनी है? MBA। वैसे आपको बहादुर को भेजना नहीं चाहिए था, फजूल में इतनी तकल्लुफ की खाने की आपने। अरे सारा जी क्या बात कर रही हैं आप, पहली दफा हमारे घर आई हैं, हम मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। गुड्डू यू आर सो स्वीट। वाकई? अब वाकई आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। वैसे बाहर काफी अच्छा लॉन है आपका। हाँ अभी दिखाती हूँ मैं। अच्छा आप बैठे, आराम से बैठे। मैं जरा किचन में खाना देख के आती हूँ। असल में लंच टाइम होता है ना तो वो रोटी वाले के पास रश बहुत लंबा होता है। कोई बात नहीं। शाजिया रोटियां ले आया मैं। शाजिया क्या हो गया, इग्नोर क्यों कर रही हो, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे सुन लिया ना शाजिया, तुम्हें खुदा का वास्ता है जब तक बॉस घर में मौजूद है अपना मूड तो ठीक रखो ना प्लीज। कैसे मूड ठीक रखूं, जब से आई है बहादुर कहाँ है, बहादुर कब आएंगे, बहादुर ऐसे बहादुर वैसे किए जा रही है, कैसे मूड ठीक रखूं मैं? क्या वो बार बार मेरा पूछ रही थी, सच बताओ? मेरा मतलब है कि वो बार बार मेरा क्यों पूछ रही थी? मुझे क्या पता, खुद जाके पूछ लो। वो तो मैं पूछ लूंगा, तुम मुझे ये बताओ गुड्डू कहाँ है? आपकी बॉस के साथ बैठे। क्या वो अभी तक बॉस के पास बैठा हुआ है? क्यों ऐसा क्या हो गया, खा नहीं जाएंगे आपकी बॉस को? अरे मैं तुम्हारे भाई को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, वो खा भी जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, एक नंबर का हर किस्म का आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात सुने, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बल्कि आपकी बॉस को भी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अपने भाई जान के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी, आई समझ? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम खाने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी से खाना बनाओ, देख कर आता हूँ, नौकर लगी हुई हूँ मैं यहाँ पे, जहर डाल दूंगी इसके खाने में। अरे बॉस आप तो तकल्लुफ कर रही हैं। अरे नहीं नहीं मैं खा लूंगी। अरे नहीं नहीं आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, नहीं मैं निकाल के देता हूँ आपको। अपने बस बस काफी है। अरे एक और तकल्लुफ की कोई बात ही नहीं है। बहुत ज्यादा दे दिया। खा लेना प्लीज मेरी खातिर। अच्छा चलो ठीक है, खुद भी कुछ खा लें या मुंह में निवाले बना के डालेंगे। मजाक कर रही है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका। वैसे गुड्डू तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? बात ये सारा कि मैं आपको सारा बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू, मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं है। अरे अभी तो मुझे कह रहे थे कि अपने इर्द गिर्द जरा ढूंढे कोई अच्छा लड़का शादी के लिए मिल जाएगा, इसका मतलब है तुमने भी नहीं देखा, तुम देख लेते तो शायद कोई अच्छी लड़की मिल जाती। बात तो ठीक है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। हाँ और अगर निवाला मुंह में अटक जाए ना तो फंदा लग जाता है। लीजिए लीजिए और लीजिए। हाँ काफी, थैंक यू। पानी पानी तो पिलाओ बॉस को।
ये क्या कर रहे हैं आप? है? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती? अरे भाई घर के काम करने में शर्म वाली क्या बात है, मैंने खाना खाया तो किचन के बर्तन उठा के यहाँ रख दिए। मर्दों को ना ये छोटे मोटे काम करने चाहिए ताकि औरतों का हाथ बटाया जा सके। भाईजान मेरी बात को ना घुमाने की जरूरत नहीं है। भाई चुटकी मैंने कौन सी बात घुमाई? ये जो बहादुर की बॉस के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, ठीक से फ्लर्ट नहीं कर रहा? ओहो, आपका ये छिछोरा पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भाई जब सारा को कोई मसला नहीं तो आपको क्या मसला है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुटकी तुम अपने भाई का घर बसते हुए नहीं देख सकती? क्या मतलब? मतलब ये कि सारा मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, मैं सारा में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, अगर उससे बात बन जाएगी तो लाइफ बन जाएगी। वो कैसे? अरे भाई वो इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर है, मुझे भी कहीं ना कहीं फिट कर देगी, और अगर फिट नहीं कर सकी तो मैं उसकी इतनी बड़ी तनख्वाह में गुजर बसर कर लूंगा शुक्र अदा करके। हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं जी। और तो और बहादुर भाई का भी बड़ा फायदा है, उनको भी हर महीने उनसे कह के मैं प्रमोशन दिलवाऊंगा। भाईजान क्या वाकई? और नहीं तो क्या, आप एक काम करें, आप चाय बनाएं, मैं जरा देख के आता हूं क्या बातें कर रहे हैं। बहादुर की प्रमोशन आएगा। बॉस वो जो मेरे लेट आने पे पैसे कट गए थे वो प्लीज एचआर वालों से बात करके दिलवा दीजिए ना। अब हाँ नो प्रॉब्लम, करवा दूंगी। अरे थैंक यू बॉस, आप दुनिया की सबसे अच्छी बॉस है। ओ बाय द वे, तुम्हारे घर का खाना बहुत मजेदार था। अरे बॉस आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। नहीं तुम्हारा फर्ज तुम्हारी अम्मी की खिदमत करना है, मेरी नहीं। वैसे भी मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं और आप जैसे मेहमान तो डबल रहमत होते हैं। अगर चापलूसी से फुर्सत मिल गई हो तो काम की बात करें। जी जी हुकुम करें बॉस। अगले महीने जब प्रमोशन होने वाली है ना उसके लिए मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट करती हूं। क्या वाकई? नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रही है ना। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहते हो मैं झूठी हूँ? नहीं नहीं, नहीं 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 बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। ओह थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, और वो जो हमारी नेक्स्ट मंथ एक दुबई में कॉन्फ्रेंस है ना उसके लिए भी मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया, तुम मेरे साथ जाओगे? क्या नहीं नहीं, ये तो एक खुशी के साथ एक और खुशी, बाय वन गेट वन फ्री। कमाल हो गया बॉस, आप कमाल है। चुटकी हाँ। तुम यहाँ किचन में काम करती रहोगी, बाहर तुम्हारा शौहर काम दिखा देगा। अरे क्या ऑलफुल बगे जा रहे हैं, क्या हो गया? तुम्हारा शौहर मेरी मोहब्बत पे डोरे डाल रहा है। हैं? है नहीं गए हुए, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई सारा पे डोरे डाले। क्या कर दिया मेरे बहादुर ने? आपका बहादुर कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहा है। अरे आप ये डायलॉग बाजी बंद करें भाईजान, बताएं तो हुआ क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके बैठी रही ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप सीधी तरह नहीं बताएंगे, मैं खुद ही जाके देख। अरे मेरी बात सुनो, बहादुर भाई बाहर बैठे सारा से फ्लर्ट कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, और सारा ने उनका नाम प्रमोशन लिस्ट में डाल दिया, अगले महीने कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई लेके जा रही है। तो अब हम क्या करें? अरे हम क्या कर सकते हैं, वो अकेले उनको लेके जा रही है, इसका मतलब जानती हैं आप? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? अभी अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आ रहा हूँ ये। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये अगले महीने होने वाला है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बहादुर सिर्फ मेरे और किसी के नहीं हो सकते, और सारा सिर्फ मेरी है। अरे आप तो अपना मुंह बंद रखे, इस सारा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो अरे बेचारी सारा की गलती है, देख ले तो अपने शोहर को देखो। चुटकी वैसे बॉस आपकी तो पर्सनालिटी भी इतनी कमाल की है, बात ही कुछ और। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, गपशप कर रहे। बहुत अफसोस की बात है। क्यों शाजिया कौन मर गया? शर्म और खैरत मर गई है। किसकी? आपकी और आपकी इस बॉस की। एक्सक्यूज मी, चुटकी खबरदार सारा को कुछ मत बोलना। क्यों कुछ नहीं बोलना? मैं अपनी होने वाली बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सोचा। होने वाली बीवी? मैं आपकी शादी ना इस चालाक लड़की से कभी भी नहीं होने दूंगी। वाह ये ठीक है, तुम्हारे शोहर ने अपने प्रमोशन के चक्कर में उनको लंच पे बुला लिया, वो सही है, मेरा काम खराब कर रहे हो। तुमने इसलिए मुझे लंच पे बुलाया था? नहीं नहीं बॉस ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या किराए के कोर्ट वाला झूठ बोल रहा है, इसने इसीलिए बुलाया आपको। शट अप सारा, खबरदार मुझसे ऐसे बात मत करना, वो भी शादी से पहले। ओ मैं तुम्हारे मुंह पे ना रख के थप्पड़ भी मार सकती हूँ, समझे? हाँ वो एक अलग बात। देखा ये लड़की कितनी बदतमीज है, शादी के बाद ना आपको तिकनी का नाच नचवा देगी। ओ हेलो, मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हारे इस निकम्मे भाई से शादी करूंगी, और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा है। बॉस मैं बहुत माजरत चाहता हूँ बॉस। तुम तो चुप ही रहो और अपने प्रमोशन के बारे में ना बिल्कुल भूल जाना, और कल बल के ऑफिस आओ, आके अपना टर्मिनेशन लेटर लेके जाओ। नहीं बॉस नहीं बॉस। अरे यार छुटकी अच्छा खासा मेरी लाइफ सेट होते रह गए कन्नों से, क्या जरूरत थी ये तमाशा करने की? मुझे इन्होंने बोला था कि आप उसके साथ दुबई घूमने जा रहे हैं। घूमने घूमने नहीं, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में जा रहा था। गुड्डू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गुड्डू।